तो पॉजिटिव लग रहा है। मेरे दोस्त भमाए ने ट्रॉफी जीता है तो मुझे खुशी हो रही है। प्लेटफॉर्म पे वो मुझे देखने आए वही मेरे लिए बड़ी बात है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वो आए। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकंसेप्शन था मेरे बारे में, वो दूर हुआ। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया, मैं अपने फीलिंग्स इमोशंस को बयां कर पाया। सोचते हाँ मैं थोड़ा हूँ अलग तो बहुत अलग। हाँ मुझे लोग कुछ तो पॉजिटिव लग रहा है। मेरे दोस्त भमाए ने ट्रॉफी जीता है तो मुझे खुशी हो रही है, मजा आ रहा है। पापा से मिले जब क्या फील? बहुत इमोशनल हो गया मैं उनके आंखों में जो मैंने देखा। मेरे लिए एक दर्द था, एक प्राइड था, वो मुझसे खुश हुए। तो ये इस प्लेटफॉर्म पे वो मुझे देखने आए वही मेरे लिए बड़ी बात है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वो आए। उन्होंने सपोर्ट किया मुझे और उन्होंने मेरा मान रखा और मेरे बचपने को उन्होंने समझदारी में समझा और उन्होंने बोला कि तुमने अच्छा किया है इस शो में। तो मुझे मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था। सना के साथ कैसी दोस्ती? सना के साथ बिल्कुल यूनिक दोस्ती है, ऐसे टाइप की दोस्ती जो यू नो जिसमें कोई कोई अनकंडीशनल बोलते हैं ना कि एकदम ट्रू फ्रेंडशिप। भमाए एक टर्म दिया उसको, मैं इस दोस्ती की मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि ऐसे टाइप की दोस्ती एक लड़का और लड़की की हो सकती है और जैसे दूसरे एंगल से उसको ना देखे तो बेहतर है। तो इस तरह की दोस्ती मैं बिल्कुल लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी दोस्ती भी हो सकती है। हाँ आपकी जो जर्नी है बहुत टफ है, साल भर आप गायब भी रहे, फिल्म बनी आपके ऊपर, अब जब सोचते हैं बिग बॉस के टॉप टू में पहुंचने का कैसा लगता है? बहुत यूनिक लग रहा है, अलग लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी फीलिंग्स साथ में है। एक तो मैं घर से बाहर आया हूँ तो मुझे लोगों से मिलने का एक्साइटमेंट है। मेरा फ़ोन वापस मिला मुझे, मेरी जो एलिगेशंस थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मिसकंसेप्शन था मेरे बारे में, वो दूर हुआ। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया, मैं अपने फीलिंग्स इमोशंस को बयां कर पाया, इमोशंस से थ्रू हो पाया, वो मेरे लिए अच्छा था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस शो में आने से, मैं बहुत पॉजिटिवली बाहर जा रहा हूँ। जब ग्रुप्स बने तो आपको कहा गया बिन पहंदी का लोटा कि आप कहीं शामिल नहीं हुए, उस वक्त कॉन्फिडेंस? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मेरे को ऐसा लगा ये मेरा तरीका है कि मैं सबसे अच्छे टर्म्स में रहता हूँ। मुझे दुश्मनी किसी के भी साथ नहीं थी, मुझे दोनों ही ग्रुप से प्यार था, सब कंटेस्टेंट से प्यार था। उन लोग ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, मेरे दुश्मनों ने मुझे प्यार दिया। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरा तरीका है कि मैं सबके साथ गुड टर्म्स में रहूं और मेरे को वो तो कुछ बुरा नहीं लगा, मेरा कुछ कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ बल्कि हाई हुआ। एक लोग कहते हैं नेजी जो है अपनी क्यूटनेस से ही जीत गया, सोते सोते फिनाले में पहुंच गया, इस बात को जब सुनते हैं तो क्या लगता है? मेरे को तो हंसी आती है कि ये क्या बोल रही है पब्लिक। लेकिन हाँ मैं थोड़ा हूँ अलग तो बहुत अलग। हाँ तो मुझे लोगों ने प्यार दिया लेकिन यही मेरा तरीका है, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। एक जो आपका सबसे बड़ा टुकड़ा था, एक रैप एंटरटेनमेंट लाइव के लिए एक छोटा सा रैप अगर एंटरटेनमेंट लाइव नेजी दब्बा की हाइप हार्ड है अपनी लाइफ, बमाए अपने साथ फुल फायर शॉट, ट्रॉफी लेके आए किसी को माफी ना दे, फुल खतरनाक शॉट तुमको साफी ना दे क्या, चलो क्या बात, एकदम फ्री हो के। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स भाई।